हेलो फ्रेंड्स, LBVM क्लास में आप सबका स्वागत है। हम आज म्यूजिक की आनंद एटम बम में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप लोग रेडी हो जाइए और म्यूजिक के पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल में बने रहिए, चलते हैं पहला क्वेश्चन है, थाट के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो थाट के 10 प्रकार होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, झपताल में कितने विभाग होते हैं दोस्तों? तो इसका है, झपताल में 4 विभाग होते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राग में रे रे प स्वर समूह का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सारंग में रे रे पग स्वर समूह का प्रयोग होता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर है अवरोह। स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं दोस्तों? अवरोह। भीम पलासी का गायन समय क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है रात्रि, आंसर त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पंडित पन्ना लाल घोष कौन सा वाद्य बजाते थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर है बांसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग यमन का गायन समय प्रातः काल है दोस्तों। उत्साह बड़े गुलाम अली खां थे दोस्तों। तो इसका सही आंसर है एक गायक थे दोस्तों। ताल लिपि में चिन्ह जीरो से क्या सूचित किया जाता है? इसका सही आंसर है खाली। ताल लिपि में चिन्ह जीरो से खाली सूचित किया जाता है दोस्तों। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर, राग देश किस थाट से उत्पन्न होता है दोस्तों? इसका सही आंसर है खाजमा। तो 11 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं दोस्तों, श्रुति कितने हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर है 22। श्रुति कितने हैं दोस्तों? 22। चार ताल में कितनी खालिया का प्रयोग होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है 4। चार ताल में कितने खालिया का प्रयोग होता है दोस्तों? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राग भैरव का वादी स्वर गंधार है दोस्तों। तीन ताल का खाली होता है दोस्तों नौ। पंडित राम चतुर मलिक एक डैश थे दोस्तों। तो इसका सही आंसर है संगीत के गायक थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल कहरवा का प्रयोग होता है दोस्तों। तो इसका है सुगम संगीत में। रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है दोस्तों? इसका सही आंसर है 7। रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है दोस्तों? 7। राग भैरव का गायन समय प्रातः काल है दोस्तों। ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है दोस्तों? ध्रुपद में चौताल का प्रयोग होता है दोस्तों। उत्साह बिस्मिल्ला खां सनाई वादक थे दोस्तों। संगीत पारिजात के लेखक कौन थे दोस्तों? तो स्वर्गीय पंडित विनायक नारायण राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भीम पलासी का संवादी स्वर है दोस्तों। इसका सही आंसर है सा। ध्रुपद गायन में किस प्रकार के ताल वाद्य का प्रयोग होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है तबला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ओडव जाति में पांच स्वर व्यवहार होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग विहाग का वादी स्वर है दोस्तों। इसका सही आंसर है ग। राग देश किस थाट में आता है दोस्तों? भैरव थाट में आता है दोस्तों।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वरों के ऊपर चढ़ने के क्रम को क्या कहते हैं दोस्तों? तो आरोह। स्वरों के ऊपर चढ़ने के क्रम को आरोह कहते हैं दोस्तों। पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य बजाते थे दोस्तों? पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य बजाते थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर है बांसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। उत्साह बड़े गुलाम अली खां किस विद्या के गायक थे? उत्साह बड़े अली खां किस विद्या के गायक थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ख्याल एवं ठुमरी विद्या के गायक थे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्साह फैयाज खां किस घराने से आते हैं? उत्साह फैयाज खां किस घराने से आते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर है आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संगीत पारिजात के लेखक कौन थे दोस्तों? संगीत पारिजात के लेखक कौन थे दोस्तों? अहोबल। इसका सही आंसर है अहोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब ताल में कितनी मात्राएं होती है दोस्तों? जब ताल में कितनी मात्राएं होती है? इसका सही आंसर है 10 दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ताल में 6 मात्राएं होती है? इसका सही आंसर है दादरा। निम्नलिखित में से किस ताल में 6 मात्राएं होती है दोस्तों? इसका सही आंसर है दादरा। ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है दोस्तों? तो 3 ताल का। ख्याल में 3 ताल का प्रयोग होता है दोस्तों। हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट हैं? हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट है दोस्तों। निम्नलिखित में रागों में से किस में दोनों माध्यम लगते हैं दोस्तों? निम्नलिखित में से रागों में किस में दोनों माध्यम लगते हैं दोस्तों? तो केदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रागों में से किस में दोनों निषाद लगते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर है भीमपलासी। भीमपलासी में दोनों निषाद लगते हैं दोस्तों। राग केदार का वादी स्वर है दोस्तों? राग केदार का वादी स्वर है म दोस्तों। 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राग विहाग का संवादी स्वर है दोस्तों? राग विहाग का संवादी स्वर नी है दोस्तों। राग विहाग का संवादी स्वर नी है दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन है, राग भीमपलासी का गायन समय क्या है दोस्तों? राग भीमपलासी का गायन समय रात्रि काल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर है किराना। किराना घराने से आते हैं दोस्तों उस्ताद अब्दुल करीम खां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भूपाली डैश प्रकार का राग है? भूपाली डैश प्रकार का राग है दोस्तों? तो इसका सही आंसर नहीं दिया हुआ है इसमें, तो इसमें से कोई नहीं। अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन थे? अभिनव राज मंजरी के लेखक कौन थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर है पंडित भातखंडे। पंडित भातखंडे दोस्तों। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ताल में 7 मात्राएं होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रूपक ताल में 7 मात्राएं होती है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग होता है? धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है धमार। ख्याल गायन में किस प्रकार के तार वाद्य का प्रयोग होता है दोस्तों? ख्याल गायन में किस प्रकार का तार वाद्य का प्रयोग होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ताबला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। संपूर्ण जाति में कितने स्वर का प्रयोग होता है दोस्तों? संपूर्ण जाति में कितने स्वर का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है 7। संपूर्ण जाति में 7 स्वर का प्रयोग होता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राग भैरव का वादी स्वर है? राग भैरव का वादी स्वर क्या है दोस्तों? राग भैरव का वादी स्वर क्या है? तो इसका सही आंसर है ग। राग भैरव का वादी स्वर ग है दोस्तों। राग भीमपलासी किस थाट का राग है दोस्तों? राग भीमपलासी किस थाट का राग है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है भैरव। राग भीमपलासी भैरव थाट का राग है दोस्तों। संगीत में वर्ण कितने हैं? संगीत में वर्ण कितने हैं दोस्तों? संगीत में वर्ण 4 है दोस्तों। संगीत में वर्ण 4 है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं दोस्तों? तो आरोह। स्वरों के चढ़ते क्रम को आरोह कहते हैं दोस्तों। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन थे दोस्तों? संगीत रत्नाकर के लेखक कौन थे? तो अहोबल। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन थे दोस्तों? अहोबल। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों अब हम यहीं पर द एंड कर लेते हैं।